वाहे गुरु नित बचन उचारे वाहे गुरु को हृदय धारे आ गया अवत सिंह जो पावे वाहे गुरु की फतेह बुलावे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वचन उचार है वाहे गुरु को हृदय धार है हिंदू गौ गरीब केवल का ही नहीं केवल मानवता मात्र के रक्षक जो है अपने देश अपनी जाति अपने गौरव अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए जिन उद्देश्यों के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्राकट्योत्सव मनाते हुए हमारे जत्थेदार पटना साहिब तख्त के सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी महाराज हमारे गिल साहब हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री और देश की महान विभूतियां आकर के जो है उन्होंने जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और श्री गुरु ग्रंथ साहब जो दसों पातशाहियों का साक्षात स्वरूप जो हमारे पूर्वजों ने हमारे गुरुओं ने जिस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया उसी की उन्नति और उसके लिए शुभकामना करते हुए देव संस्कृत विश्वविद्यालय जहां पर केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है अपनी संस्कृति का जो है उत्थान करता हुआ सारे विश्व में और ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार करे यही आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और जो है प्रथम प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में हम यही शुभकामना मंगल कामना करते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई और सभी के जो सम्मान योग थे पूज्य थे श्री राम शर्मा जी आचार्य जिनकी ये सोच थी जिनकी ये कल्पना थी और जिसका साकार रूप उन्होंने ही आरंभ किया था और उन्होंने ही जो अभी हमारे प्रमुख हैं यूनिवर्सिटी के प्रणव पांड्या जी उनको इसके लिए चुना और उनका जो स्वप्न है वो साकार रूप में हम देख रहे हैं कि आज 12 करोड़ से ज़्यादा गायत्री परिवार के सदस्य हैं
और इस देश की संस्कृति के लिए जो कुछ प्रचार प्रसार हो रहा है वो एक अपने आप में अद्वितीय है। और हमारी यही प्रार्थना है गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज के चरणों में, आज ये हमारा सौभाग्य है कि धर्म रक्षक सर्वंशदानी साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज जी का 350वां प्रकाश गुरुपुरब यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज पहली बार देव संस्कृत विश्वविद्यालय में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी आज पहली बार ही यहाँ हुआ है। तो हमारे जो पांड्या जी हैं, प्रणव पांड्या जी, उन्होंने आज ये घोषणा भी की है कि हम गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ स्थापना करेंगे और जो भी गुरु मर्यादा उसके अनुसार हम सेवा का जो भी हम से होगा वो जो भी साधन होंगे हम सबको लाएंगे और उसके हिसाब से गुरु जी की सेवा करेंगे। और दूसरा उन्होंने जो घोषणा की है भी यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में जो गुरुमुखी है, जो पंजाबी है, जो गुरुमुखी है उसकी विद्या दी जाएगी, गुरुओं का जो इतिहास है और गुरुवाणी जो है वो उसका ज्ञान भी यहाँ दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता की बात है, सारे संसार के सिखों में इस बात को सुनकर के एक खुशी की लहर पैदा हो रही है भी ऐसे हमारे जो प्रमुख हैं प्रणव पांड्या जी, उनको गुरु जी ने ऐसी प्रेरणा दी है। और हम चाहते हैं कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय और दुगुनी चौगुनी तरक्की करे और जो इनके सिद्धांत शुरू किए हुए हैं उन सिद्धांतों में पूर्ण सफलता पूरे संसार में प्राप्त हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी जो प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति जो एक तरफ सारी वसुधा को एक परिवार के रूप में मानती है, उसको साथ को एक साथ सामंजस्य की बात करती है, वहीं व्यक्तिगत उत्थान के नाते व्यक्ति को परमात्मा तक मिलाने तक की उच्चतक तक लेने का ज्ञान देती है, मार्गदर्शन करती है, उसके संरक्षण के लिए देव संस्कृति विद्यालय विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है ये ना केवल अद्वितीय है बल्कि समय की आवश्यकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में आके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसा हमने गुरुकुलों के बारे में पढ़ा था कि गुरु किस ढंग से कक्षाएं लेते थे, किस तरह से छात्रों के साथ घुल मिल कर रहते थे, एक इसी तरह का वातावरण आज मुझे यहाँ पर आकर महसूस हो रहा है।